पंजाब में नशे पर नकेल डाली गई है, इसलिए चाहे विरोधी पार्टियों के नुमाइंदे स्टेजों से पंजाब सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार के मंत्री नशे पर नकेल कसने के लिए पंजाब सरकार ने पुरजोर कोशिश की है, इसके लिए अपने अपने तर्क दे रहे हैं। आज पठानकोट में एक समागम में पहुंचे सहकारिता एवं जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से पुरजोर कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि चाहे भगवंत मान नशे को लेकर जितना मर्जी शोर मचाता है, उनका शोर बेमायने है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई बड़े मगरमच्छ हैं जिन पर सरकार ने नकेल कसी है और आगे कार्रवाई जारी है। उस पर आदमियों ने मिलनी थी और हाई कमांड ने देनी है। ये कैप्टन साहब का कोई मीना बहुत है नहीं, क्योंकि संविधान के लिखा कि 10% जी है वो कैबिनेट से मिनिस्टर ले जा सकते हैं। तो वो जो साड़ी पार्टी के क्या कि वह गवर्नमेंट जी हाई कमांड है वो डिसाइड करती है कि किनू लिया जाना किनू नहीं लिया जाना। पंजाब के करोड़ों के ड्रग रैकेट मामले की सुनवाई जी है वो मोहाली कोर्ट के चल रही हैगी, हो सकता है जल्द फैसला आ जाए, थोड़ा की कहना? मैं तो बहुत देर से दे वेट कर रहा कि वह ड्रग के फैसला होना चाहिए। जरा उस वे मैं भी MLA सी तो जो भोला रैकेट फड़िया गया तो उत्थे हाउस के कहा गया कि 6,000 करोड़ की जी है वो ड्रग जी फड़ी गई, वो बाद ना 6,000 करोड़ का पता लगा तो ना भोले का पता लगा। असी डिमांड करते हैं कि जी कोर्ट है यू बहुत जल्दी यहाँ डिसाइड करे कि 6,000 करोड़ बारे भी बहुत जरूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भगवंत मान कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली दल फ्रेंडली मैच खेलते हैं पंजाब च और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। भगवंत मान जी छोटियां छड़ता तो जे योजे बंदे होंगे कांग्रेस की ना कभी अकाली दल ना बनी और ना बनेगी, जिन्ना अकाली दल कांग्रेस ने ठोकिया भगवंत मान होना तो अजय पास कोई काम नहीं किया। यह भी गल्ला सामने आ रही नहीं बैबल कला गोलीकांड मामले SIT की जांच जी है वो मध्यम पई हैगी ठंडी पई हैगी? मेरा ख्याल है कि तुम्हें प्रेस वाले आदत पै गई है कि जी चीज़ को अखा नाल नहीं देखते, जे ये तो मतलब पैसे दे तो ये तो बाद भगवंत मान ये कहते नजर आ रहे भगवंत मान कहना तुम वेखो प्रेस वाले जे है कि तुम स्वाद ना लो, तुसी सवाल ये करो कि जिदे नाल पंजाब दे विच शांति रहे और तुसी ये वेखो कि जी SIT आ उन्हें SSP अरैसट किया, बाकी जिहड़े जे भगौड़े ने वह भी किए जाएंगे। तुसी भगवंत मान नूं ये पुछो कि 3.5 साल जां 3 साल अकालियां दे टाइम च जिहड़ा 1.5 साल रहा उदों क्यों नहीं बोलिया, 1.5 साल नहीं बोलिया जदों अरैसट हो गया स्टार्ट, इहदा मतलब कि ये बैबल कलां वाले उन्होंने पुलिस वाले भगवंत मान रलिया। आम आदमी पार्टी ये भी कहती नजर आ रही है कि ड्रग्स जी है वो अज भी पंजाब दे विच विकदी हैगी और चाहे बच्चों तो मंगवा लो वो अपने स्टेजां तो उन्होंने ये गल कही है। भगवंत मान नूं मेरे ख्याल है कि जिहड़ा इहोजा आदमी जो स्टेटमेंट दे जिहड़ा कहिंदा कि मैं 1 जनवरी तो शराब छड़ दिती है, इहो जे बंदे दे मूँह इहो जिहियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। जिहड़ा आदमी अपनी माँ की कसम खा के ये कहिंदा मैं हुण शराब छड़ दिती है तो उन्होंने वो बारे नशे के बारे सानू पता कि असी पंजाब नशे का लक तोड़ दिता और अगे भी तोड़ा। कई वड्डियां स्टेजां तो तुसीं किया हैगा और जाखर साहब ने भी किया हैगा कि जिहड़े ड्रग्स के वड्डे मगरमच्छ हैगे आ वो बख्शे नहीं जाणगे, बिल्कुल हुण तक नकेल जिहड़ी हैगी उह कित्थे तक नहीं बख्शे जाणगे। तुहाडे सामने जिहड़ी हाई कोर्ट के पई है वो साड़ी SIT ने जिस दिन रिपोर्ट होगी हाई कोर्ट ने कर दी थी, वो मगरमच्छा हाथ पाया जाएगा और बहुत जल्दी तुहाडे सामने रिजल्ट आ जाएगा। जो नवे नवे तुसीं जेल मंत्री बने सीगे तो काफ़ी जेलों के जोड़ा है वो चैकिंग होंदिया सीगियां, हुण मध्यम क्यों पै गईआं? मेरा ख्याल है कि तुम ना TV देख लो तो ना तो अखबार पढ़ दो, मैं तो जो कल भी बोल दिया।